उसे जितेंद्र दी हमारे साथ शामिल है। जितेंद्र दी नमस्कार, बताएं। नमस्कार सर। सर नमस्कार, बताएं। मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो जुपिटर वैगन का मैंने 200 शेयर लिए थे 675 के रेट पे, जी छेस और ठीक है। और एक एनएचपीसी लिया था 800 शेयर 116 की रेट पे। दोनों सर 1 साल होल्ड कर सकता हूँ, एवरेज करना है कहाँ पर करें? ठीक है, एनएचपीसी का एक बार आप प्राइस वापस बता दीजिए। 800 शेयर 116 की रेट पे। 116 के रेट से, ठीक है। और आपका नजरिया क्या बताया आपने? 1 साल से 1.5 साल होल्ड कर सकता हूँ सर। 1 साल से 1.5 साल ना, ठीक है ठीक है। रुचि जी आपके पास आना चाहूंगा। एनएचपीसी पे इनकी खरीदारी है 116 से। एक्चुअली वो ही टॉप बना हुआ नजर आ रहा है इस साल में, यही टॉप से बार बार 115 116 से 3 बार वहां से हमें रिवर्सल आता हुआ नजर आया है। तो ऑलमोस्ट टॉप पर ही इनकी खरीदारी है, वहां से 16-17% नीचे आ चुका है स्टॉक। दूसरी जो इनकी खरीदारी है वहां पर भी, जुपिटर वैगन में भी इनका खरीदारी से देखे तो 17% की ही लॉस रजिस्टर करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या राय बन रही है, 1 से 1.5 साल तक होल्ड कर सकते हैं? साथ ही एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। जी आई थिंक यस, इन्होंने ऑलरेडी एक तेजी होने के बाद में स्टॉक में एंट्री ली है और अब ये दोनों ही स्टॉक एक करेक्टिव फेज में। पर लेकिन एक बात अच्छी है कि इनका जो नजरिया है वो 1-1.5 साल का है, तो शॉर्ट टर्म में शायद इतने बड़े गेन से स्टॉक में नहीं बनेंगे, लेकिन जैसे ही ये करेक्टिव फेज पूरा होगा फिर आपको स्टॉक में अच्छे मूव वापस रिज्यूम होते हुए देख सकते हैं। मैं अगर मीडियम टर्म चार्ट देखूँ तो एनएचपीसी पे सपोर्ट 90 से लेके 88 के रेंज में आ रहा है, तो फिलहाल तो आप अपने पोजीशंस को ऐसे ही होल्ड करें। आपको नया एडिशन भी अभी करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक अगर आपको 90 से 88 की रेंज में मिलता है तो वहां पर फिर आप एवरेज करें, सो देट आपका कॉस्ट जो है वो थोड़ा कम आ सकेगा, सो वो अच्छा रहेगा। और सिमिलर जुपिटर वैगन्स में भी देखेंगे तो वहां पर